जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आपके साथ जुड़ करके बड़ा आनंद होता है और मैं ग्रंथ से कुछ न कुछ वीडियो आपके काम की आपको भेजता रहता हूं। उससे मुझे भी नॉलेज बढ़ती है और उसके ऊपर मैं भी चलने की कोशिश करता हूं। और आप सब कैसे हैं, आइए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि रमा एकादशी आ रही है, इसमें भगवान का पूजन हम किस प्रकार से करें, वो आप सुन लें। पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, पठना श्रवणाद राजन सर्वपापी प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अरे धर्मराज दृष्टर, एकादशी के बारे में मुंह में से एकादशी शब्द ही निकल जाए, शब्द को सुनने से ही व्यक्ति के अपराध समाप्त हो जाते हैं। भुक्ताई व निखलान भगवान विष्णु लोके वसे चिरम। धरती के सभी भोगों को प्राप्त करता हुआ यह जीव मेरे धाम के लिए चला जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ऐसा भगवान बोले। तो आइए इसमें लकड़ी का पट्टा तैयार कीजिएगा और उसमें आप भगवान विष्णु को उसमें बिठाइए, लक्ष्मी नारायण भगवान को भी बिठा सकते हैं। और इसमें भगवान की पूजा के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं, उनको आप इसमें पीले फूल लीजिएगा, पीले में कनेर मत लीजिए, तुलसी दल जरूर रखिएगा। और देखो भगवान को जब आप स्नान कराते हैं तो जल में तुलसी पत्र डाल करके स्नान कराते हैं तो उसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने मंदिर को साफ सुथरा कीजिएगा, ठीक है। सूती वस्त्र पास में रखिए क्योंकि भगवान को नहला करके उससे पहुंचना होता है। सबसे पहले भगवान का आह्वान किया जाता है, वंदन प्रणाम किया जाता है, उनका आह्वान करें। आह्वान के तत्पश्चात बैठने को जगह आसन दिया जाता है, उसके तत्पश्चात शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और वो भी शंख में जल भर करके स्नान कराएं तो और ज़्यादा बढ़िया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें से दोनों में से कोई भी एक मंत्र या दोनों मंत्रों को जपते हुए भगवान को स्नान कराइए। पहले जल से स्नान कराएं, फिर गौ माता का कच्चा दूध लीजिए उसे स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर बूरा सरकरा कुछ मिल जाए उसे स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर आप पांचों चीज़ों को मिला लीजिए जिसे पंचामृत कहते हैं, पंच नद्या सरस्वती मपियन सस्रोतस। यह है पंचामृत, पांचों चीज़ें, ये अमृत हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, इसमें शहद नहीं छूट जाए, घी के बाद में शहद का ही नंबर आता है। शहद से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान, उसके बाद बूरे से स्नान, फिर जल से, फिर पांचों चीज़ों को मिला करके आप स्नान कराइएगा। फिर एक कटोरी में थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चंदन घोल करके उसमें जल मिला करके और फिर भगवान को स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के तत्पश्चात सूती वस्त्र से भगवान को पहुंचिए और हो जाए तो थोड़ा सा भगवान की देह पर इत्र लगा करके फिर उन्हें वस्त्र वगैरह जो भी आप पहनाते हैं तो वो, और जब भगवान को आप तिलक लगाते हैं तो चंदन पूरी देह पर लपेट दीजिएगा, इस चंदन लेपन भगवान को कीजिए, फिर भगवान को बैठाइए और भगवान को पान का जोड़ा जरूर चढ़ाइएगा, पान दो पान चढ़ाइए और उसमें क्या लवंग है, इलायची है और सुपारी है, यही चीज़ उसमें पूंगी फल इत्यादि, पूंगी फल सुपारी को ही कहते हैं, ये चढ़ा करके फिर भगवान का किसी मिष्ठान का भोग लगाइए, मक्खन मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, कार्तिक के महीने में भगवान को प्रत्येक दिन माखन और मिश्री के भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। रमा एकादशी आ रही है इस दिन तो आप लगाएं ही, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो से जुड़ा हूं कि ये मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि का मक्खन और मिश्री का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। इतना करने के तत्पश्चात भगवान की आरती उतारी और वहीं खड़े खड़े आप चार परिक्रमा लगा लें क्योंकि भगवान नारायण की चार परिक्रमा लगती हैं, तो इसलिए वहाँ खड़े खड़े आप चार परिक्रमा लगा लें, फिर भगवान को वंदन प्रणाम करें, क्षमा याचना, क्योंकि आरती के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। आरती के बाद एक आध मंत्र में स्तुति कर लो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुनरिकाचम, मंगलाय तनम हरि। उसके तत्पश्चात ठाकुर जी को वंदन प्रणाम करते हुए जो आपने उपवास किया, फलहार बनाया भगवान का, फलहार का भी दोपहर में जब भी आपका तैयार हो गया तब आप भोग लगाइए, शाम को एक गिलास दूध का भोग भगवान को लगाइए और फिर अगले दिन पारण जरूर कीजिए एकादशी का। तो अगली वीडियो में हम पारण के टाइमिंग्स भी बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने एक संक्षेप में पूजा प्रकरण आपको तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको निवेदित किया है। मेरी बात आपको जरूर मलूक लगी होगी, वीडियो को आगे जरूर भेजिए। एक छोटा सा निमंत्रण है कि 9 नवम्बर गोपाष्टमी महामहोत्सव श्री धाम वृंदावन आप जरूर पधारिएगा, आप भक्त लोग साधन आमंत्रित हैं। और अपना ध्यान रखिए, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।